अलीशा बड़ी खबर दे रही है। मुंबई के घाटकोपर में 4 मंजिला इमारत गिरने के मामले में पुलिस ने बीती रात बिल्डिंग के मालिक सुनील शितप को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच इस हादसे में मरने वालों की संख्या 17 हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटनास्थल का दौरा भी किया। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश देते हुए बीएमसी से 15 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है। इमारत के सभी मंजिलों पर परिवार रहते थे। फायर ब्रिगेड ने मलबे से 12 शव निकाले जबकि 16 लोगों को जिंदा निकाला गया। मरने वालों में 6 महिलाएं भी हैं। अलीशा, क्या अपडेट? जी, मुंबई के घाटकोपर में जो साहिब दर्शन बिल्डिंग है जो कि 4 माले की बिल्डिंग जो है वो ढह गई इस हादसे में। अभी 17 लोगों की मौत हो गई है जबकि 9 लोग घायल है। मृतकों के जो शव है उनको पास के राजावाड़ी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं मौके पे मौजूद अब भी फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। बिल्डिंग के मलबे से 24 लोगों को जिंदा बाहर निकाला गया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी शिवसेना नेता सुनील शितप को गिरफ्तार कर लिया है। विक्रोली के पार्क साइड पुलिस स्टेशन में सुनील शितप के खिलाफ गैर इरादत हत्या का मामला दर्ज किया गया है। वही इस जो पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है और कहा जा रहा है कि इस 4 मंजिल इमारत के पहले फ्लोर पे जो चल रहे थे अवैध रिनोवेशन का जो काम है वो बताया जा रहा है, वो शिवसेना नेता सुनील शितप की पत्नी के नर्सिंग होम के बदलाव कर होटल बनाया जा रहा था जिसके दौरान बिल्डिंग का एक अहम पिलर टूट गया जिसके चलते ये हादसा हुआ है। इस पूरे दर्दनाक हादसे में एक राहत वाली बात खबर ये आई है कि राजेश दोषी नाम के एक शख्स को करीब 14 घंटे के लंबी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने सही सलामत बाहर निकाला गया। भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद मौके पर पहुंचकर उन्होंने जल्द से जल्द इस पर जांच करने की आदेश भी दिए। जी शुक्रिया अलीशा। अमेरिका के एरिजोना में एक हेलीकॉप्टर उफनती हुई नदी के ऊपर उड़ता दिखा। यहां तेज बारिश के बाद कई जगहों पर अचानक आई बाढ़ से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। और ऐसे ही एक इलाके में एक आदमी उफनती नदी के बीच फंस गया जिसको बचाने के लिए हेलीकॉप्टर उस जगह पहुंचा। नदी के तेज बहाव के बीच ये शख्स पत्थर पर खड़ा था। तभी हेलीकॉप्टर से बचाव दल का एक सदस्य रस्सी के सहारे धीरे धीरे नीचे उतरा और नदी में फंसे इंसान के पास पहुंचा। इसके बाद उसने बाढ़ में फंसे शख्स को रस्सी से बांधा और फिर हेलीकॉप्टर दोनों को उस जगह से किनारे की ओर लाने लगा। हेलीकॉप्टर जैसे ही किनारे की ओर पहुंचा तो पहले से किनारे खड़े बचाव दल के बाकी सदस्यों ने रस्सी पर लटके शख्स को सुरक्षित नीचे उतार लिया।